स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गया जिले के अनेकों स्थान पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए 74वें स्वतंत्रता दिवस पर झंडा फहराया गया। गया बार एसोसिएशन में सम्मानित अधिवक्तागणों ने झंडा उत्तोलन किया। बार के सेक्रेटरी मुरारी कुमार हिमांशु ने झंडा फहराया तो वहां उपस्थित बार के अध्यक्ष ओम जी, बार के पदाधिकारी अधिवक्ता ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए स्वतंत्रता दिवस के महान पर्व को मनाया। आपको बता दें कि गया संग्रहालय में अध्यक्ष एवं रंगकर्मी शंभू सुमन व अन्य झंडा फहराते हुए देशवासियों को 74वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। आज संग्रहालय प्रांगण में झंडा उत्तोलन का कार्यक्रम किए हैं, तो आप इस बीमारी के ऊपर क्या कहना चाहेंगे, देश को क्या संदेश देना चाहेंगे? 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे हम गया वासियों को, सांस्कृतिक नगरी गया वासियों को, पूरे देश के निवासियों को बधाई देना चाहते हैं। संक्रमण का दौर हमेशा हमारे देश में रहा है और हम हमेशा इससे संघर्ष करके उभरे हैं, चाहे वो दूसरे विश्व युद्ध हो, चाहे स्वतंत्रता की लड़ाई हो, चाहे स्वतंत्र होने के बाद की समस्याएं हो, हम हमेशा संघर्ष करते रहे हैं और संघर्ष से हम जीत हासिल किए हैं। यह संक्रमण जिसको आप वैश्विक महामारी कह रहे हैं, इससे भी लगभग हम उभरने की स्थिति में हैं और इसमें सबसे बड़ा योगदान हम लोग, हम सभी वर्ग मिलकर उससे जूझते रहे और आज विजय के कगार पे हैं। पिछले मार्च महीने से हम लोग लॉकडाउन झेल रहे हैं, पर गरीब अमीर सब मिलकर, सब अपने आप को त्याग कर, आधी रोटी खाकर भी अपने को जूझते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक इसी प्रकार वीर कुंवर सिंह भी जब आज़ादी की लड़ाई में कूदे थे, उनको भी रोटी नहीं मिल रही थी, घास की रोटियों को बना के उन्होंने खाया था, पर अपने दृढ़ संकल्प को नहीं छोड़ा था। हमारे महात्मा गांधी भी ब्रिटेन में थे, वारिष्टी कर रहे थे, काफ़ी उनके पास संसाधन थे, लेकिन जब देशवासियों की दर्द को उनके बड़े भाई ने उन्हें बताया तो वो काफ़ी द्रवित हुए। पास आउट होने के बाद, एक घटना के बाद जब वो स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुए तो अधनग्न महात्मा बने वो, क्योंकि हर देशवासियों को पूर्णतः कपड़े की भी उपलब्धता नहीं थी। इस कारण से उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ठीक है कि हम सम्रांत हैं, पर हमारे देशवासी को कपड़ा पूरे तन ढकने के लिए नहीं है, इसलिए हम भी आधे कपड़े पहनेंगे, आधे उसको ओढ़ लेंगे। तो ये संघर्ष तो हमारे इतिहास से मिला है और बहुत जल्द हम इस संघर्ष से उभरने वाले हैं। आपका अपना परिचय बताएं। मेरा नाम शंभू प्रसाद सुमन हुआ, मैं रंगकर्मी हूँ और रंगकर्म के साथ साथ समाज में हो रहे जितने तरह के उत्पीड़न हैं उसके खिलाफ हम कदम उठाते हैं, बातें करते हैं, रंगमंच करते हैं और मार्गदर्शन के लिए कोशिश करते हैं, आप सबों का साथ लेते हैं। आप बताएंगे, इस संग्रहालय इस अध्यक्ष हैं और आपके द्वारा आज झंडा उत्तोलन किया गया है, इस देश को क्या संदेश देना चाहेंगे आज के दिन? आज हम लोग 74वें स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, इसलिए सभी गया वासियों और देश के सभी लोगों को बधाई हो। और ये स्वतंत्रता दिवस हम लोग बहुत संघर्षों के बाद, हमारे पूर्वजों ने बहुत लड़ाइयों के बाद प्राप्त किया है और उस टाइम से हम लोग ये हर वर्ष मनाते आ रहे हैं। और हम भारतवासियों को, गया वासियों को, देशवासियों को एक संदेश देना चाहेंगे कि इस स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर सभी भाईचारा बनाए रखें और एक दूसरे से मिलजुल कर सद्भावना भाईचारा बनाए रखें। और हमारे देश में वर्तमान में अभी जो संक्रमण काल जो चल रहा है, एक बीमारी का, कोरोना का, COVID-19 का, उसको हम लोग मिलजुल कर सभी लोग इसको परास्त करें और सभी के सहयोग से ये दौर ख़त्म होने वाला है, ये संक्रमण यहाँ से ख़त्म होने वाला है और सभी लोगों का इसमें सहयोग मिला है, प्राप्त हुआ है। गया से राजीव कुमार की रिपोर्ट।